इसका नाम खिमुली है वाला। जा रही है बहू रानी, ये तो खुश हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। रोते नहीं है तो यहाँ पे राखे हैं और मुझे कुछ राखियाँ ले। ए, आ गई रे आ गई। यार कितने दिनों बाद व्लॉग में आ रही है, स्टाइल मार रही है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी, आई होप आप सब पढ़े होंगे। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 9 और 9 बजे तक मैं तैयार व्यार होगी क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मायके, और सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, फिर लंबा व्लॉग बन जाता है ना तभी। और माँ यहाँ पे बैठी है, थोड़ा बहुत उदास होती है। और मेरे को छोड़ने आ रहे हैं भैया। भैया हेलो बोलो। हेलो माँ। हेलो बोलो। हेलो। चलो जल्दी करो। चलो तो ज़्यादा, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी जल्दी जल्दी माता श्री लगा रहे हैं अपनी बहू को। ठीक है, मायके के लिए जा रही है बहू रानी, ये तो खुश हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। रोते नहीं है। सच्ची में रो रहे हो क्या? कितने दिन के लिए? आ जाना 4-5 दिन में। यहाँ महोत्सव होता है 3 दिन का जोरदार। हाँ। जन्माष्टमी महोत्सव 3 दिन का, तो उस हिसाब से जल्दी आ जाना। महोत्सव का लालच दे रहे हैं। हाँ महोत्सव का लालच दे रहे हैं। देखो झोल यो छुए। प्रणाम। ठीक है फिर बाय बाय। और दिन मैं धन्नों में जाती हूँ, आज बन्नों में जाती हूँ। आपकी स्कूटी का नाम क्या है बताओ। मैं बोल रही ना और दिन धन्नों में जाती हूँ, आज बन्नों में जाऊंगी। भैया आ रहे हैं आज छोड़ने मेरे को। इसका नाम खिमुली है वाला। खिमुली में लाइव ब्लॉग। जल्दी आना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। मैं रोती नहीं जा, हेलो जाओ जाओ जाओ। हेलो थोड़ी बाय बाय बाय। तो हम निकल चुके हैं घर को, बेरी नाक को। पहुंच गई हूँ बेरीनाग और अभी बजे हैं 2, लेकिन मैं पहुंच गई थी 10:30 बजे। उसके बाद मैं सीधे रूम पे आई और थोड़ा मैंने रेस्ट किया। और दद्दा रूम पे है नहीं, चाबी वो बगल में देके गया था, अभी वो स्कूल गया है, तो मैं उसी के साथ घर जाने वाली थी। और दोस्तों भैया मुझे यहीं तक छोड़ के गए बेरीनाग और फिर वो चले गए क्योंकि उनको टाइम नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए। और अभी 2 बज गए हैं, मैं मार्केट से मुझे थोड़ा सा सामान लेना है, तो राखी वाखी लेनी है ना, तो कल राखी है तो इसीलिए। तो मैं चलती हूँ अभी मार्केट को और फिर उसके बाद मैं कोई गाड़ी पकड़ूंगी, फिर चकोड़ी या कोटमनिया से फिर मैं दद्दा के साथ जाऊँगी। तो चलती हूँ अभी मार्केट को। तो यहाँ पे राखे हैं और मुझे कुछ राखियाँ लेनी है घर के लिए, तो इनमें से मैं ले लूँगी कुछ राखी। तो दोस्तों
बेरीनाग से मैंने सामान वामान लेके फिर जल्दी से गाड़ी मिल गई थी और मैं आ गई सीधे और अभी मैं पहुँच चुकी कोर्ट में यहाँ पे और मैं कर रही हूँ पापा का वेट। तो यस अभी यहाँ पे थोड़ी छाया हो रखी है तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी दद्दा आ जाएगा फिर दद्दा के साथ जाऊँगी घर को। ये आ गया दद्दा, आ गया, बड़ा टाइम लगा दिया। तो दोस्तों मिल गया दद्दा और अब हम जा रहे हैं फिर घर को और रोड इतनी गजगज हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ऐसी हो रही है रोड। हम पहुंच गए हैं घर और दद्दा अब स्कूटी को रखेगा अंदर, फिर हम चलेंगे नीचे। कब्बू आई भी नहीं यार ऊपर, ऐसी है। यहाँ तो फिसलन फिसलन हो रही है पूरी। हमारे घर में जाने के लिए थोड़ा ऐसे वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा पूरा ग्रीन ग्रीन घास इस टाइम पे बहुत मस्त। क्या कर रहे हैं ये, कब्बू घास काट रही है इधर मम्मी, वो पीछे बोल रही थी ना कब्बू रोड में भी नहीं आई को। आज घसियार कितने दिनों बाद व्लॉग मार रही है, स्टाइल मार रही है। वो दूसरी घसियार भी आ गई हो, तू भी मारी स्टाइल। अरे हाय आ गई रे आ गई। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी मेरे को रास्ते में ही मिल गई थी ना। वो टी शर्ट गंदा, इतना उदास लगे रहता है इसको मारा ये। पहुँच गई मैं घर पे और ये देखिए कब्बू चाय बना के भी ला गई और सकल की मेरी बैंड बज गई है, कितनी धूप लगी मेरे सर में भी बहुत दर्द हो गया। मम्मी यहाँ पे पी रही है चाय, दद्दा वहाँ पर सो के पी रहा है वो। ये है मेरी चाय, ये है कटकी, दो दो कटकी। दोस्तों अभी बज गए हैं 6:30 और यहाँ पे आग जला रखी है ना इसलिए मेरे को धुआं लग रहा है, आँखें ऐसी बंद सी हो जा रही है। ये देखिए कब्बू, ये ब्लॉग देखिए अब भी डाला ना मैंने। और यहाँ पे हमने आग जला रखी है, मैंने हमने नहीं मतलब कब्बू ने आग जला रखी है क्योंकि यहाँ पे हम ना मक्के मक्के भूनेंगे अभी तभी। मम्मी को ये किसी चीज़ का अंडा मिल गया, ये देखो पता नहीं क्या है, होगा कुछ और भी है, चिड़ियों का होगा किसी का। मम्मी कह रही है कहीं सांप का तो नहीं है, बल आजकल ना सांपों का बहुत चर्चा में चल रहे हैं बल सांप आजकल। मम्मी ने मक्के कैसे बना रखे हैं, मेरी बेटी आएगी फिर खाएगी करके उसके अंदर बाद रखे, पूजा आएगी करके सुखा ला नहीं जा। नहीं दिए हमको सिवा सिवा जिसने लगाए उसके उसको खाने को नहीं मिले, जिसने नहीं लगाए उसके लिए ऐसे बाद रखे ऐसे खरी माई मानता। फिर कितनी अच्छी मम्मी है मेरी, देखो आपकी मम्मी भी है क्या ऐसी, खा ले इसको बॉईल करके खा ले। दीदी कितनी गंदी है ओ दद्दा, हाँ अभी देखो छत में। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करो, देखो इसके अंदर क्या है, क्या मिलेगा क्या मिलेगा। ये मिला घोगा, घोग इसको पहाड़ी में घोग कहते हैं और वैसे मक्का बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। आपकी वहाँ क्या बोलते हैं आप जरूर बताइए कमेंट करके। कर दिए इनका छिलका जो है ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, बाकी इनको भूनते हैं। लगा दूं, डाल दूं इसमें। तो थोड़ी सी जली आग तो मैंने ये छुटकू सा भुट्टा भुनने लग गई। मन कर रहा यार देख के ना, क्यों नहीं मन करेगा। फिर मेरा भी होने लग गया है और मक्के भी भूनने के लिए लगा रखा है नीचे। कब्बू यहाँ पे सब्जी काट रही है, क्या काट रही है सब। मेरी माँ वहां से रो रहे थे, बहू वहां जा रही है करके, कहा अपने मायके जा रही है करके, और ये दीदी मायके में आ गई करके रो रही है। देखो मेरे हिस्से का भी खाएगी सोच रही होगी, और क्यों रो रही है ये नहीं दिख रहा क्या। रो नहीं रही यारी, ये रुला दे रहा है इसको। ये देखो
ये देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिए इनको भूनने के लिए और अभी भून रहे हैं। तो अभी बजे हैं 7 और हम यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए और कब्बू ने मंदिर बना रखा है, इतना मस्त दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा बना रखा है ना, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हम करते हैं आरती, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, चलिए। कब्बू यहाँ पे गूथ रही है आटा और दिन मैं गूथती हूँ आज कब्बू को, देखिए मम्मी खा रही है मक्का इसमें रखी है सब्जी। तो दोस्तों बन गया हमारा खाना और इसमें है दही, इसमें है मटर पनीर और ये है रोटी चुपड़ी हुई और इसमें मट्ठा। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों खाना पीना हो गया हमारा और अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए, और अब कल को राखी है तो राखी के लिए थोड़ा सा सजना धजना भी हुआ तो मेहंदी लगा रहे यहाँ पे कब्बू लगा रही है मेहंदी, दिखा दिखा ना, ये देखिए। अब मैं इससे मैं भी लगवा लेती हूँ, क्योंकि हाँ हम दोनों सेम मेहंदी लगाएंगे क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए ये लगा देगी मेरा। और मम्मी ने मेरे सर में अभी घी डाला गाय का घी, अगर आपके भी सर में दर्द होता है कभी तो आप गाय का घी डाल के सर दर्द ठीक कर सकते हैं, तो थोड़ी देर में मेरा भी ठीक हो जाएगा, तब तक का मेहंदी लगवा लेती हूँ। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।